आज मैं आपको इस पापड़ से, वो भी सिर्फ 6 पापड़ से दही बड़े की रेसिपी बताऊंगी। देखिए कितने ढेर सारे बने हैं। इसे बनाने के लिए ना तो दाल भिगोने की जरूरत पड़ती है और ना ही पीसने की। एकदम झटपट और आसानी से मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। देखते ही मुँह में पानी आ जाए, इतना टेस्टी जबरदस्त बनने वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ देखिए मैंने दही लिया है, वजन में देखा जाए तो 200 ग्राम होगा। आप बाहर का जो पैकेट वाला दही मिलता है रेडीमेड, वो भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने आधा कप चीनी ली है, यानी कि शुगर लिया है। पूरी चीनी इसमें हम नहीं डालेंगे, मैं इसमें से आधी चीनी ले रही हूँ, यानी कि 1/4 कप के करीब। इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे, एकदम इसका जो टेक्सचर है ना, क्रीमी की तरह होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। इस स्टेज पे मैं इसे टेस्ट कर रही हूँ। इतना मीठा मेरे लिए परफेक्ट है। तो अगर आपको ज्यादा मीठा चाहिए तो आप यहाँ पे चीनी की जो क्वांटिटी है थोड़ी ज्यादा भी कर सकते हैं। तो अब इसे हम रख देते हैं साइड में। यहाँ मैंने एक कांच का बड़ा सा बाउल लिया है, इसमें हम डालेंगे लगभग 1/2 लीटर पानी। हाँ जी, ये नॉर्मल पानी है, जो नॉर्मली हम घर में पीते हैं वही वाला पानी लिया है मैंने। इसमें हम डालेंगे 1/4 नमक। नमक हमें यहाँ पे ज्यादा नहीं डालना है, एकदम थोड़ा सा नमक डालना है। और 2 चुटकी के करीब हम इसमें डालेंगे हींग। इसे मिला देते हैं और इस पानी को भी अब हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने मिक्सी का जार लिया है, इसमें हम 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया डालेंगे। धनिया को मैंने अच्छे से वॉश करके ले लिया है और उसे डंठल के साथ ही लिया है। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1/2 कप के करीब पुदीना के पत्ते, जिसे मैंने अच्छे से धो के ले लिया है। 4 से 5 हरी मिर्च, जिसे कट करके लिया है, हरी मिर्च कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 अदरक का टुकड़ा, जिसे कट करके लिया है। 3 लहसुन की कलियां डालकर अब हम इसे पीस लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ये इस तरह का दरदरा मोटा मोटा पीसा है, सारी चीज एकदम अच्छे से ग्राइंड नहीं हुई है। तो अब इस डिश पे हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब सेव। मैं नायलॉन सेव का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप यहाँ पे बूंदी ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं या दलिया भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, साथ ही में मैं सफेद नमक यानी जो नॉर्मल नमक है वो भी डाल दूँ, ज्यादा ना डाले क्योंकि हमने काला नमक भी डाला है। 1/4 चम्मच यहाँ पे भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, आप चाहो तो साबुत जीरा भी ले सकते हैं। 1/2 नींबू लिया है, इसे इस तरह से निचोड़कर इसका सारा रस डाल देंगे। और साथ ही में 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब हम इसमें पानी डालेंगे। और चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं। वाओ, देखिए क्या गजब का प्यारा सा कलर इसके ऊपर आया है, कितना प्यारा लग रहा है ना। सारी चीजें एकदम अच्छे से ग्राइंड हो गई है, बहुत ही टेस्टी यहाँ पे हमारी हरी चटनी बनके रेडी है। और चलिए अब बढ़ते हैं हमारे मेन इंग्रेडिएंट की तरफ, जो कि है पापड़। अब पापड़ आप यहाँ पे कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने ना यहाँ पे उड़द दाल के पापड़ लिए है, आप चाहो तो यहाँ पे मूंग दाल के पापड़ ले सकते हैं, या फिर कोई और पापड़ है तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे लिया है मैंने मिक्सी का जार। हम पापड़ को ना इस तरह से रफली तोड़कर इसमें डाल देंगे। मैं टोटल यहाँ पे 6 पापड़ ले रही हूँ। पापड़ मैंने मीडियम साइज के लिए, ऐसे तो छोटे साइज के भी आते हैं, काफी बड़े साइज के भी आते हैं, जो आपके पास है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। बस पापड़ जो है ना काफी तीखे वाले ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं। पीसने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह का एकदम फाइन बारीक चूरा बन के रेडी हो गया है। तो अब इस मेजरमेंट कप से मैं इसे माप के चेक कर लेती हूँ। तो ये 1/2 कप का मेजरमेंट कप है, देखिए ये पूरा भर गया है, यानी मैंने यहाँ पे 1/2 कप लिया है। अब यहाँ पे मैंने 6 पापड़ लिए थे, तो मुझे यहाँ पे 6 पापड़ का 1/2 कप चूरा मिल गया है। कि आप इस तरह के छोटे पापड़ अगर ले रहे हो, इस साइज के छोटे, तो आपको यहाँ पे पापड़ जो है थोड़े ज्यादा भी लग सकते हैं। अब 1/2 कप पापड़ के चूरे के लिए मैं यहाँ पे 1 कप बेसन ले रही हूँ। जितना चूरा होगा ना उसका 2 गुना हमें बेसन लेना है। आप इसे कोई भी कप से नाप के ले सकते हो, बस इस बात का ध्यान रखें। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे, साथ ही में 1/2 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, ये ज्यादा नहीं डालेंगे, जैसे कि मैंने कहा है कि इसमें काली मिर्च भी है। अब इसे हम मिला देते हैं। देखिए पापड़ में काली मिर्च ऑलरेडी है, तो मैं लाल मिर्च यहाँ पे ज्यादा नहीं डाल रही हूँ और ना ही मैं इसमें हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो हल्दी डाल सकते हैं, बट हल्दी से थोड़े थोड़े येलोइश कलर के हो जाएंगे, बट जो हमारे
दही भल्ले के जो भल्ले होते बड़े होते वो पीले कलर के नहीं होते, तो मैं इसमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अब इसमें ना हम पानी डालकर इसका एक बैटर बना लेंगे। तो एक कप अभी मैंने पानी लिया है, तो पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और इसे ना अच्छे से फेंट लेंगे। इसमें कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। तो इतना बैटर बनाने के लिए मुझे एक कप और दो बड़े चम्मच के करीब पानी लगा है। बैटर को जितना अच्छे से फेटेंगे उतना ही आपका जो वड़ा है, आपके भल्ले है ना, एकदम फूले फूले बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। बैटर को अच्छे से फेट कर लेना बहुत जरूरी है। काफी हल्का होना चाहिए बैटर। देखिए इस तरह से एकदम रेबिन की तरह ये गिरना चाहिए। देखिए नॉर्मली जब भी भल्ले या फिर जो वड़ा है वो फूले फूले बने, इसलिए ना उसमें क्या करते हैं, खाने का सोडा डाला जाता है। पर हम यहाँ पे खाने का सोडा यानी कुकिंग सोडा नहीं डालने वाले। वो क्यों? क्योंकि पापड़ में ऑलरेडी ना पापड़ खार या फिर सोडा पड़ा ही रहता है, तो अलग से हमें इसमें सोडा डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो बैटर है इसे रेस्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है, बैटर एकदम परफेक्टली रेडी है। अब यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तेल को गर्म करने रखा है, तो तेल जो है हमारा अच्छा गर्म हो गया है। आज को जो है हम लो करेंगे, बैटर को हाथों में लेकर इस तरह से तेल में छोड़ते जाएंगे। आप चाहो ना तो यहाँ पे चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक समय में आपके कढ़ाई में पैन में जितने आते उतने आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे जैसे ये पकेंगे ना आप देखोगे वैसे वैसे ये फूलने लगेगा और तेल में ऊपर फ्लोट होने लगेगा, यानी कि तैरने लगेगा। देखिए कैसे ऊपर आने लगे हैं और साइज में भी दोगुने हो गए हैं। अब ना क्या करना है, इसे इस तरह से अलटना पलटना नहीं है, बस चम्मच से हम क्या करेंगे, तेल को हिलाते जाएंगे। इस तरह से तेल को हमें चलाते जाना है जिससे कि आपके जो ये वड़े हैं, ये भल्ले हैं ना, इवनली एक जैसे ही पकेंगे और इनके ऊपर भी ना एक जैसा ही कलर आएगा। और इसे पकने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है, ये फटाफट बनके रेडी हो जाते हैं। तो देखिए क्या जबरदस्त एकदम फूले फूले बने हैं। आंच को हमें मीडियम पे रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही इन्हें हमें अच्छे से फ्राई करना है। वाह, हर एक भल्ला कैसे अच्छे से फूला फूला और गुब्बारे जैसा फूल गया, कितना साइज में दोगुना हुआ है आप देख सकते हैं। चलिए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इन्हें बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है, बहुत ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रहे। इतने बैटर में लगभग 21 से 22 भल्ले आराम से बन जाते हैं। ठंडे होने पर भी ये बिल्कुल भी पचकते नहीं है, ये इसी तरह के फूले फूले रहते हैं। आप ना इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मस्त लगते हैं। मैं आपको ना इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ। देखिए अंदर से कितने परफेक्टली पक चुके हैं, कितना सॉफ्ट है ये, देखिए है ना एकदम। इस तरह से मैं प्रेस करी, देखिए इसे आप चटनी के साथ भी आराम से इंजॉय कर सकते हैं। खाने में बहुत ही जबरदस्त लगते हैं, क्या टेस्टी बना है, मजा आ गया खाके। अरे अरे ऐसी पूरी तरह से खत्म नहीं करना है, रुकिए अभी ना हमें इसके दही भल्ले बनाना भी है। तो इन्हें क्या करेंगे, हमने जो नमक हिंग वाला जो पानी रेडी करके रखा था ना, इस पानी में इन सारे भल्ले को डाल देंगे और अच्छे से पानी में डुबा देंगे। देखिए इसमें हमने बेसन का इस्तेमाल किया है, इसलिए पानी में मैंने हिंग डाला हुआ है जिसकी वजह से ये पचने में और भी हल्के रहे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी में डालने के बाद भी कितने ये हल्के कि पानी में भी ये तैरने लगे हैं। पानी में जाके ये बिल्कुल भी सौगे नहीं होंगे, तो इस बात का टेंशन मत लीजिएगा। इन्हें आप 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह पानी में छोड़ दीजिएगा। अब देखिए 3 मिनट हो गए, चलिए अब हम इसे असेंबल कर लेते हैं और इस तरह से हाथों से प्रेस कर लेंगे, जिससे क्या होगा एक्स्ट्रा जो भी पानी है ना वो सारा निकल जाएगा। इसे ना मैंने क्या किया था, बनाने के बाद ना थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा था, जिससे क्या ये ठंडा ठंडा खाने में ना और भी मजेदार लगेगा। अब क्या करेंगे, जो हमारी दही है इसे इस तरह से ऊपर से भल्लों के ऊपर डाल देंगे और अच्छे से इसे ना कोट कर लेंगे। ये ना अच्छे से दही को ना सोख लेगा, इसका मीठापन भी दही में आ जाएगा। ऊपर से डालेंगे हमारी ये तीखी चटपटी हरी चटनी। इसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती, आपको जितना जो पसंद है उतना आप कम ज्यादा डाल सकते हैं। साथ में डाल देते हैं खट्टी मीठी इमली की चटनी, इसके बिना तो हर एक चाट हर एक दही भल्ला अधूरा है। भुना हुआ जीरा पाउडर भी डालेंगे, इससे इसका स्वाद दोगुना हो जाएगा। और हल्की सी लाल तीखी मिर्च जो मैं ऊपर से इस तरह से स्प्रिंकल कर रही हूँ। और ये देखिए हमारा बहुत ही बढ़िया दही भल्ले बनके रेडी है। आपको जितना बनाना है ना उतने ही बड़े तल के आप रखें, और जब खाना हो या फिर मेहमान घर पे आए तो 2 मिनट पानी में इसे भिगोए, उसके बाद फिर आप इसका प्रिपरेशन करें। तो देखिए मैंने सारी प्लेटिंग कर ली है और देखते हैं, मुझे यकीन है कि आपके मुंह में पानी आ गया होगा। यकीन मानिए इसे खा के आपका पेट जरूर भरेगा बट आपका दिल नहीं भरेगा। सिर्फ 6 पापड़ में बने हुए ये दही भल्ले बहुत ही मजेदार, टेस्टी, हल्के, फूले फूले गुब्बारे जैसे, देखने में कितना जबरदस्त लग रहा है। आज का वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो इसलिए इमली की जो चटनी है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें,
और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।